Bande Guru Pada Dandam Bhakta Vinda Samannitam Sri Chaitanya Prabhum Bande Nitya Ananda Sauditam Sri Nanda Nandanam Bande Radhika Charna Dayam Gopijano Samayuktam Vindavanam Vāñcha-kalpa-taru-vasya-kipā-sindhu-bhavacha Patitānaṁ-pāmune-bhavishna-vibhyo-namo-namo Mūkaṁ-karoti-vācha-laṁ-pangu-laṁ-ghaiti-girin Yat-kipāta-mahaṁ-vandhi-paramānanda-mādhu Vṛndhā-vaitu-siddhe-vvai-pi-āvai-kesva-sacha Sna-bhakti-vade-devi-sattva-patvai-namo-namo Narayana namaskritva naram chaiva narottama Devin Saraswatin vyasam tato jayo mudire Sankirtane Krishna kathopadesha Gauriya patrasya prakasane cha Sadanurakta guru bhakti yukto Bhakti pramadaksha jagodvaranya Deyam sada paribhavagnam avishtaduham Tethas padam siva virunchanutam saranyam Vitatiham panudapal bhavadiputam Bande mahapurusate charana arvindam Yat pada pallavanaka chandamani chataya Vispurujitakam prabhavadushvadarsh Purnanuragra-sasagra-sāra-murti Sāradhika-mai-kada-kipān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 a-k
Shri Advaita Vadadhara Sivasadihi Gauravakta Vindu Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Ajanulambita Bhujau Kanaka Godadu Sankirtanai Kapitaro Kamala Yathaksho Vishambaro Dijavaro Jugadharma Palo Bande Yagat Priyakaro Karuna Bhutaro Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Namami Gange Tava Pada Pankajam Sura Surair Vandito Dibha Rupam Bhuktin Cha Muktin Cha Dadasinitam Bhavanurupena Sadanarana Ganga Taranga Ramaniya Jata Kalapam Gauti Nirantara Vibhushita Vam Bhagam Narayano Priyamananga Madapuharam Varanasi Purapati Bhajavishanatham Bhagi Sajusya Badane Lakshmi Rijasya Vakshashi Yasya Sehidai Sambhid Vam Nishinga Maham Bhaji Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram 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 Hare Hare Evam Brataha Sapriya Nama Kirta Jata Anurago Duta Chitta Uchai Hasati Atho Raditi Rauti Gayat Unmad Vada Nittati Loko Vaiho
एवं व्रतः स प्रिय नाम कीर्ता जातानुरागो दुतचित्त उच्चै हसति अथो रदिति रौति गायति उन्माद उन्माद बाद नित्यतीला लोकबाह्यो एवं व्रतः स प्रिय नाम कीर्ता जातानुरागो दुतचित्त उच्चै हसति अथो रदिति रौति गायति उन्मादवत नित्यति लोक बाह्य। गौड़ीय गोष्ठीपति श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताए हमारा पहला कर्तव्य क्या है। जगत गुरु श्री शिल भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद जगत गुरु जी ने बताए हमारा पहला कर्तव्य क्या है। प्रभुपाद कह रहे हैं कि श्रीमन महाप्रभु का उपदेश और जो शिक्षा आचरण अपना जिंदगी में आचरण करना आचरण पूर्वक और सर्वत्र प्रचार करना प्रधान कार्य है। महाप्रभु का उपदेश और शिक्षा अपना जीवन जिंदगी में आचरण करके सब कोई को इस बारे में बताना सर्वत्र प्रचार करना ये सबसे बड़ा कर्तव्य है हम लोगों का। इसमें अपना मंगल होगा और दूसरे का भी मंगल होगा। अगर चैतन्य महाप्रभु का आचरण अपना जीवन जिंदगी में लाना संभव नहीं है तो प्रचार में जाना भी संभव नहीं है, प्रचार में मत जाओ। अगर महाप्रभु का आचार आचरण अपना जिंदगी में आचरण करना पालन करना असंभव है तो प्रचार में जाना भी असंभव है, प्रचार में जाना उचित नहीं। और आचरण करके सब महाप्रभु का उपदेश आदेश को सब कोई को सुनाने के लिए जाओ बोलने के लिए जाओ उसमें मंगल ही मंगल है। बद्ध जीव बड़ा दरिद्र है निर्धन है। बद्ध जीव इतना निर्धन है तो इसको का कहा जाए। निर्धन का मतलब प्रेम संपत्ति नहीं है, धन संपत्ति हो सकता है दुनियादारी का चीज। प्रभुपाद कह रहे हैं बद्ध जीव बड़ा दरिद्र जीव है, कदापि बद्ध जीव दरिद्र नारायण नहीं हो सकता, ये गलत फहमी है, गलत भावना है, मायावादी भावना है। और हम लोगों का अंदर में जो दारिद्रता है बहुत पुअर कंडीशन ए दारिद्र ए जो गरीबी हटाओ गरीबी हटाओ ये जो दरिद्रता है इसलिए ये धन संपत्ति कलेक्शन करना जरूरी है। कहाँ से? गुरु वैष्णव से। प्रभुपाद कह रहे कृष्ण प्रेम यही सबसे बड़ा धन अनमोल संपत्ति है। दास कोरी देव मोरे प्रेम हैं देव प्रेम धन। महाप्रभु कह रहे हैं हम लोगों को शिक्षा के लिए दास कोरी देहो मोरे बेतन प्रेम धन। प्रभु कह रहे हैं कि वृथा ही दरिद्र जीवन वृथा हो गया और दास कोरी बेतन मोरे देहो प्रेम धन। सबसे बड़ा संपत्ति कृष्ण प्रेम धन। प्रेम धन बिना व्यर्थ दरिद्र जीवन। दास कोरी बेतन मोरे देहो प्रेम धन ये महाप्रभु का एक उपदेश है, आचरण करके महाप्रभु जी ने दिखा है। और यही हमारा हम लोगों का प्रार्थनीय विषय है। अगर हम लोग गौड़ीय है तो कहना ही क्या है, कीर्तनीय सदा हरि। ये तो है ही है, कीर्तनीय सदा हरि।
ये हमारा मंत्र है, गौड़ीय समाज का मंत्र है। आ सब दूसरे विषय में उलझे हुए हैं। हमारा गौड़ीय समाज का ये मंत्र है कीर्तनियो सदाहरि। अगर हर वक्त हरि कीर्तन करते चले तो चुकलीबाजी कब करे, वो सामने समय नहीं मिले, मुश्किल है। महाप्रभु का आदेश है पृथ्वी में जितना नगर आदि ग्राम है सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम। प्रभुपाद कह रहे हैं प्रचार का नाम पे तो दौड़ रहा है आदमी, लेकिन प्रभुपाद कह रहे हैं जगत में माइक नाम सर्वत्र चलित छे। प्रभुपाद कह रहे हैं जगत में ये तो सर्वत्र प्रचार होइबे मोर नाम महाप्रभु बोल दिया, लेकिन लिखा हुआ है महाप्रभु प्रभुपाद कह रहे हैं जगत में, लेकिन जगत में लेकिन माइक नाम सर्वत्र चल रहा है, शुद्ध नाम नहीं, वैकुंठ नाम प्रचारित हो। जगत में माइक नाम प्रचार चल रहा है क्योंकि वैकुंठ नाम प्रचारित हो प्रभुपाद कह रहे हैं। ऐसा करके प्रभुपाद आदेश दे रहे हैं दाम्भिक व्यक्ति कभी प्रचार में नहीं जा सकता है, दाम्भिक लोग कभी प्रचार में नहीं जा, अगर जाए तो उल्टा हो जाएगा रिजल्ट। अहंकारी व्यक्ति अगर प्रचार का प्रचारक का भूमिका निभाने जाए तो इसमें मैं प्रचारक हूं और ऐसा अभिमान उसको खा डालेगा, अभिमान दिखाते रहेगा। इसीलिए प्रभुपाद कह रहे हैं वास्तव सत्य कथा, ये अहंकारी आदमियों का सामने प्रकाशित नहीं हो पाते, लेकिन वो उल्टा बताते हैं। ये अपना अंदर में जो वीकनेस है इसको ही हाईनेस बोल के प्रचार करता है। सच्चा बोलने का हिम्मत तब होता है जब आचार आदर्श में टोटल प्रतिष्ठित हो जाए, तब सच्चा बोलने का हिम्मत होता है। और सच्चा बोलने जाए तो जगत का आदमी तो दुखी हो जाएगा जरूर, और ये प्रचार करेगा लोगों को दुखी करना उचित नहीं है, तीनाद भी रखना जरूरी है, ऐसा प्रचार करेगा। अर्थात अपना अंदर में जो वीकनेस है इसको ही हाईनेस बोल के प्रचार करके दुनिया में लूट मार कर रहे हैं। तो बात कह रहे हैं इन लोगों का सामने कभी भी इन लोगों का हृदय में, इन लोगों का हृदय में कभी भी परम सत्व वस्तु प्रकाशित नहीं हो पाती, वैकुंठ वस्तु। और इसीलिए हरि कथा जैसा लगता है लेकिन नकली हरि कथा, हरि कथा आना संभव नहीं। इसीलिए प्रभुपाद बार बार बताया हर जगह इधर उधर, हर जगह इधर उधर अपना कान को मत पातो, हर जगह इधर उधर हरि कथा सुनने मत दौड़ो, हर जगह इधर उधर हरि कथा सुनने मत दौड़ो। पहले देखो ये हरि कथा कि नहीं। महाप्रभु का ये कंडीशन है त्रिनाद विसुनिज मानोद सबकोई को सम्मान देने के लिए तैयार है हम, प्रोवाइडेड ओ लोग गुरु वैष्णव और भगवान धाम नाम को अपमान नहीं कर रहा है तो सब कोई को कीर्तनियो सदाहरी। लेकिन उसका पहले है त्रिनाद विसुनिज, क्योंकि ये कंडीशन छोड़ के कभी हरि कीर्तन होना संभव ही नहीं। जो श्लोक देके शुरुआत किया था बड़ा इंपॉर्टेंट श्लोक है 11वां स्कंद का, भक्तों का सिंटम लक्षण जो है नवजोगेंद्र संवाद में निमि महाराज के सामने कीर्तन हो रहा है, कबीर हवि बोल रहा है। एवं व्रत स प्रिय नाम कृता जाता अनुराग दुतचित्त उच्चई।
हसति अथो रोदिति रौति गायति उन्माद नित्यति लोकवाह्य। ये प्रेम की अवस्था है। प्रेम संपत्ति मिलने का बाद, इसलिए पहले ही महाप्रभु का नाम उठाया। ये भक्तों का हालत ऐसा है जैसे कि पानी से मछली को उठाया जाए तो उसका प्राणांत हो जाए। मछली को पानी से उठाया जाए तो क्या हालत हो, कोई मत्स्य को मछली को पानी पानी से बाहर ले चलो कैसा होगा। ऐसा ही मापिक उदाहरण सोच लो कि हरि विमुख, जो लोग हरि विमुख हैं वो जीवित अवस्था में मृत है, जीवन मृत हो। हरि विमुख जो है, हरि भजन हरि कीर्तन हरि कथा में जो विमुख है वो जीते जी मुर्दा है। ये जीते जी मुर्दा है, उसका जीने से क्या फायदा है। और परम भक्त जो है, जो भक्त लोग जो है, उन लोगों का सामने अगर हरि कीर्तन हरि कथा कीर्तन ना हो तो वे बांचने के लिए इच्छा नहीं प्रकाश करता, मरना चाहता। जार मुखे भाई हरि कथा नहीं तार मुखो पाने च्यो ना, डोंट लुक एट एम और हार्ट। जो हरि कीर्तन हरि कथा नहीं करते है उसका मुख पर देखना नहीं, देखना तक नहीं है। ऐसा है हमारा दसवां स्कंद, दसवां अध्याय का, दसम अध्याय का जो आठवां श्लोक चर्चा किया था काल, दसम अध्याय का आठवां श्लोक इसमें चर्चा किया था। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधयंतः परस्परम कथयंतश्च मां नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। मच्चित्ता मदगत प्राण बोधयंतः परस्परम। ये भक्तों का समाज में आपस में जो चर्चा होता है हरि कथा का, आपस में चर्चा कीर्तन आनंद, अब तो ये सब चूल्हे में गया। ये भक्त समाज में ये देखने का लायक था, देखा गुरुजी और सारे भक्तों लोगों के सामने देखा है, नहीं तो विश्वास होना मुश्किल हो जाता। आजकल के जमाने जो है सारे चूल्हे में गया। गुरुजी का साथ मिलने के लिए आए हैं, समझो कि भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज, या तो कभी कभी भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज, भक्ति विज्ञान भारती महाराज, जब आते रहते। उस समय कथा का लहर चल रहा है, देख के ऐसा लगता था कि साक्षात वृंदावन है, जहां हरि कथा का विश्रामी नहीं है। हर वक्त कोई अगर रात का टाइम में चुप हो जाए तो है ना, अंदर में कीर्तन चलते रहता है, कीर्तन बंद नहीं है। मच्चित्ता मदगत प्राणा बोधे अंतः परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यन्ति च रमन्ति च। ऐसा बोल रहे हैं। मच्चित्तो मैंने हमारा, मदगत प्राणम मैने मांग बिना प्राणम धरतुम असमर्था। विश्वनाथ चक्रवर्ती बात कह रहे हैं, मेरे को छोड़ के जीना नहीं चाहता, संभव है असंभव है। मदगत प्राण मतलब मांग बिना मेरे को छोड़ के प्राणानु धरतुम असमर्था, प्राण धारण इसका लिए असंभव है। जिन लोगों चित्त में
जिन लोगों का चित्त मेरे में अर्पित है, जिन लोगों का प्राण हमको छोड़ पे कुछ नहीं जानता है और मेरे छोड़ के मेरे को छोड़ के जीना नहीं चाहता, मर जाएगा, ऐसा हालत है, ऐसा मापिक भक्तों जो है आपस में जब परस्पर भगवान का अनुकथा कथा गुणानुकीर्तन करते रहते हैं भक्तगण आपस में हमारा कथा चर्चा करते रहते हैं, सर्वदा सदा सर्वदा मेरा कथा कीर्तन करके परम संतोष को प्राप्त होता है, परम संतोष। और इन लोगों का हृदय में अभाव बोल के कुछ नहीं टिकता, इन लोगों का हृदय में अभाव बोल के कुछ नहीं टिकता, क्योंकि हरि कथा तो अमृत है, अमृत पीने का बाद किसी का अभाव रह जाए तो जरूरी हरि कथा नहीं है। अगर सिदामा विप्रो का उदाहरण लिया जाए, कितना अभाव है, दरिद्रो यस्तु असंतुष्टो कृपणो कृपणो तो अजितेंद्रिय, कृपण और दरिद्रो, कृपणो यस्तु दरिद्र जस्तु असंतुष्ट हो, सुदामा विप्र दरिद्र नहीं है, बाहरी दृष्टि में गरीबी दिखा रहा है लेकिन सुदामा विप्र का अंदर में ये जो भगवान उद्धव जी को उत्तर दिए, दरिद्रो यस्तु असंतुष्टो हो कृपणो हो तू अजितेंद्रिय, कृपण कौन है, ये अजितेंद्रियो जिसका इंद्रियों पर कब्जा नहीं है, जिसको अपना इंद्रिया पर कोई काबू नहीं है, काबू नहीं ला पाते, कृपण भगवत भजन में जो अपना इंद्रियों को नहीं लगा पाते, सारे दस दस पंच कर्म इंद्रियो पंच ज्ञान इंद्रियो और एकादश इंद्रियो जो है मन सबसे तगड़ा है, सुदामा विप्र का बाहरी दृष्टि में कितना कोई कुछ है ही नहीं लेकिन फिर भी सुदामा विप्र दरिद्र नहीं है, क्योंकि भगवान का कथा भगवान का कीर्तन के द्वारा अंतर में सदा सर्वदा संतोष का दिया जल रहा है, संतोषी बाबा हर वक्त हृदय में संतोष का दिया जल रहा है, अभाव कहेगी, अभाव तो हरिकथा का, हरिकथा कीर्तन का, सारे हरिकथा कीर्तन आपस में भक्तों लोग का प्यार प्रीति सारे चूल्हे में गया, चूल्हे में गया, अगर वास्तव हरिकथा हो बंद करो, बंद करा दो, वो हिंसा कर रहा है, सच्चा बोलो तुम्हारे लाठा, जगत झूठा जगत बोला है, गोरस गली गली फिरे हैं, सूरा बैठल बिकाए, तुलसीदास जी पहले बता के रखा है, वो जानते थे भाई कलियुग तो आ गया और क्या, सच्चा करे तुम्हारे लाठा, आ झूठा जो है वो सारा जगत को भुला के एकदम नाम जस प्रतिपत्ति पैसा, अरे महाराज प्रचार हो रहा है प्रचार हो रहा है, बोलने जाओ तो गुस्सा हो गया, कुछ दिन पहले अंग्रेजी को था मैं बोले, इसलिए बीच बीच में दुख होता है, बंद कर देंगे, हजम करने की हिम्मत नहीं है, सच्चा बोलो तो। अब प्रभुपाद, अभी हमने प्रभुपाद का उपदेश अमृतों से बोला, प्रभुपाद बोले तमाम जगत में वास्तव नाम का प्रचार नहीं हो रहा है, और वो बोल रहा है हो रहा है, आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं, हम जा तेरे सुनने की दरकार नहीं, जा चले जा, तेरा हजम नहीं होगी, क्या करे, वो बात का बातें बताओ फिर भी हजम नहीं होगा, गुस्सा हो जाए, ऐसा हालत पैदा हो गया। परस्पर आपस में भक्तों में जो इष्ट गोष्ठी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है,
आपस में भक्तों लोगों का अंदर में जो एक दूसरे का साथ जो भगवत कथा का कीर्तन का जो लहर चलता है, पहला बात तो ये है किसका सत्संग किया जाए, इसका बहुत विचार बताया पहले, फिर भी भूल जाते हो, फिर गलत कर देते हो, हैं क्या करें? रजस्तम प्रकृतयो समशिला भजन्ति बोहि, रजस्तम प्रकृतयो समशिला भजन्ति बोहि। हमारा साथ क्या वो लोगों का दोस्ती होगा? कभी हो सकता है? हैं कभी हो सकता कैसे होगा? ये लोग का ख्वाहिश अलग है, कोई भी इच्छा है आशा है सारे अलग है क्रियाक्रम। और शास्त्र में बताया रजस्तम प्रकृतयो समशिला भजन्ति बोहि, बर्ड्स ऑफ सेम फीड ए फ्लॉक्स टूगेदर। कहां जाए कैसे करे? रजोतम सतोगुण जैसा जैसा है प्रवृत्ति मार्ग वाले निवृत्ति मार्ग मार्ग में चलने वाले जो प्रवृत्ति निवृत्ति वो तो है ना, और शुद्ध भक्ति का मार्ग में चलने वाले कोई निवृत्ति चाहता है कोई प्रवृत्ति मार्ग में चलना चाहता है, हम लोगों का एक दोनों में एक एक भी नहीं चाहिए। हम लोगों को शुद्ध भक्ति युक्त वैराग्य चाहिए। और क्यों ऐसा हंगामा हो रहा है? कारण ये है कि अपना हिसाब का अनुसार इष्ट गोष्ठी नहीं मिल रहा है, चाहे घर में रहो चाहे बाहरी भक्तों समाज में जाओ, अगर इष्ट गोष्ठी नहीं हो पाए तो मुश्किल है। संन्यास लेके बैठा हुआ है या तो ब्रह्मचारी बेस कोई विषयी आदमी ढूंढ रहा है हर वक्त, उसका साथ अगर मेरा देखा हो जाए को क्या हरिकथा बोलेगा मेरे को क्या बोलेगा? अरे बैसाख मास बड़ा बोल रहा है कोई महाराज, तभी ना बोल रहा हूं मैं। अरे महाराज बैसाख महीना वाला इनकम का महीना है देवानंद गुड़िया मठ में, एक सन्यासी नाम नहीं बताएंगे, महाराज ये बैसाख महीना का मान बड़ा इनकम का मांग है महीना है। हम तो हंसी उड़ाया, क्या बात है। बड़ा प्रवचन देते है हंसते हंसते लुटपुट हो गया, क्या करे ऐसा ही है। अगर पैसा का ही इच्छा है तो सन्यास क्या दरकार था सन्यास सन्यास लेना है? कुछ जरूरी है क्या लेना? ऐसा ही है, तमाम दुनिया में उटपटंग चल रहा है। रजस्तम प्रकृतयो समशिला भजन्ति बोहि, समशील व्यक्ति का संग करे। यहां तक रूप गोस्वामी पाद जी ने ऐलान कर दिया, सावधान कर दिया, देखो अपना गोष्ठी में सजाति राशय स्निग्धे साधु संगो सत्यो भरे, इसका विचार थोड़ा अलग है फिर भी यहां बताए तो कोई हर्जा नहीं है। यहां रूप गोस्वामी बात बताए स्वजाति राशय स्निग्धे, सबसे अच्छा है कि स्वजाति मैंने एक जातीय भाव है, स्वजाति राशय स्निग्धे, स्निग्ध है जिसका अंदर में काम क्रोध नहीं है कुछ नहीं है। स्निग्ध का मतलब है गुरु जी का आचरण को गोहन किया, ये सबसे बड़ा साइंटिफिक व्याख्या। स्निग्धों का व्याख्या तो ऐसे डिक्शनरी में स्निग्ध लिखो सोवर्ड, कोई जिसका उटपटंग नहीं है काम क्रोध बाहर में दिखाई नहीं कुछ नहीं है, लेकिन शास्त्रीय व्याख्या किया जाए तो स्निग्धों का व्याख्या अगर निकालने जाए तो प्रभुपाद का विचार के अनुसार स्निग्ध वो है जिसका अंदर में गुरु जी का आचार आचरण सारे आया है, सदगुरु का कोई उत्पटांग गुरु का आया, अरे महाराज गुरु का आया, अरे हमने ये गुरु नहीं बोला, हम सदगुरु बोला, सदगुरु का आचार आदर्श आचरण और सिद्धांत तो विचार सब आया है, ये स्निग्ध है। स्निग्ध स्वशिष्य स्वगुरु वो गुह्यम अपी उतो भागवत में है,
स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरवो गुह्यमपि उतो गुझ्याति गुह्यो गुप्तात गुप्त रहस्य स्निग्ध शिष्यों का सामने गुरुजी कहना कहना चाहता है, कह देते हैं, छुपा के नहीं रखते। स्वजाति राशय स्निग्धे, एक जातीय हो राशय आशय, एक समगत्रीय समान आशय है, अस्निग्धे स्निग्ध है। स्वजाति राशय स्निग्धे साधु संग, ऐसा का साधु संग, ऐसा का साधु संग करे तो अच्छा है। स्वजाति राशय स्निग्ध साधु संग सतो भरे। शास्त्रों का विचार है अपना अपेक्षा उन्नत साधु संग करना जरूरी है। अपना संप्रदाय में अपना अपना संप्रदाय का जो आस्था रखने वाले हैं, अपना संप्रदाय का गौड़ीय संप्रदाय निंदा कर रहा है, चुकली कर रहा है, और उसका मुख में हरिकथा सुने, ऐसा तो नहीं है। ऐसा भी जाए अंग्रेजी कथा में आज भी ये बोलना जरूरी है, फिर भी लड़ाई कर रहा है। हजारों प्रमाण दिखा दो ऐसा है प्रभुपाद में दो, फिर भी नहीं मान रहा। ऐसा मैंने घिरा हुआ इंसान है सब, क्या बताए, वो नाटक करने के लिए आए हैं। रजस्तम प्रकृत समशिला भजंती वो इष्ट गोष्ठी, क्यों इतना हंगामा हो रहा है मठवासी भजन में, या तो गोष्ठ या तो गृहस्थी भजन में, हर जगह इसका कारण है इष्ट गोष्ठी का अभाव। इष्ट गोष्ठी हो नहीं रहा है। इष्ट गोष्ठी सबसे बड़ा भी चीज है। इष्ट गोष्ठी अगर छोड़ दे तो बहुत मुश्किल है। इष्ट गोष्ठी मतलब सम इच्छा समभाव, सम इच्छा समभाव संपन्न भक्तों का बीच में आपस में चर्चा जरूरी है। गुरुजी चला गया 20 साल का ऊपर हो गया, ऐसा नहीं कि गुरुजी गया तो गुरुजी का संग नहीं हो सकता। उसका वाणी गुरुजी वाणी स्वरूप में जीवित प्रकटित है, प्रभुपाद वाणी स्वरूप में प्रकटित है, श्रील भक्तिविनोद ठाकुर वाणी स्वरूप में प्रकटित है, केशव गोस्वामी महाराज श्रील श्रीधर ये सब प्रकटित है वाणी स्वरूप में। ये लोग का वाणी का चर्चा करो, करते करते ऐसा लगेगा कि इष्ट गोष्ठी हो रहा है, और इष्ट गोष्ठी अगर ना मिले तो क्या किया जाए। इस समय गुरु जी कहते थे, प्रभुपाद भी कहते थे, इष्ट गोष्ठी अगर मिलना मुश्किल है तो ऐसा करो चैतन्य भागवत लेके ठाकुर जी के सामने बैठ के आराम से उसको पाठ करो। उसमें जो भक्त लोगों का जो प्रसंग आता है, इसमें जो भक्त लोगों का चैतन्य भागवत में भक्त लोगों का प्रसंग आता है, ये भक्त लोगों का संग करो, ऐसा बताया गया शास्त्रों में, हमारा गुरुवर्ग ने बताया। अगर बाहरी दृष्टि में साधु संग नहीं मिल रहा, क्या करोगे, तो ये चैतन्य भागवत चैतन्य अभी जो भी है, इसमें जो भक्त लोगों का जो विचार बताया गया है, भक्त लोगों का बिहेवियर आचरण जो है, शिक्षा जो है, सारे अपनाने का कोशिश करो, जीवन जिंदगी में ग्रहण करने का कोशिश करो, इसी में भलाई होगा, मंगल होगा चरम, इसमें कोई शक नहीं। प्रभुपाद का जमाने में और हमारा पूर्व गुरुवर्ग केशव गोस्वामी महाराज आदि ये लोगों का जिंदगी में इष्ट गोष्ठी बोल के एक चीज था। गुरु भाइयों का, मेरा गुरुजी अंतिम समय में श्रीलस श्रीधर गोस्वामी महाराज का उधर जाते थे, पहले भी जाते थे कब, और जाने का साथ साथ बैठ के दो गुरु भाई बैठ के आपस में चर्चा होता था, चर्चा हुआ हैं परचा होता था, बहुत सुंदर आपस में हरि भक्ति का हरि भजन का, कितना सूरा सुंदर। आजकल में जमाने में सब चूल्हे में गया, ये उसका हिंसा कर रहा है, वो इसका, बीच बीच में दुख होता है, मैंने महाराज क्या करे, अरे तो कुछ प्राप्ति करने के लिए नहीं कर रहा है, कुछ लूटने के लिए नहीं कर रहा है, फिर भी वो लोग पीछे, क्या बात है, चाहता है कि टूट जाए कथा ना हो पाए। चलो
जो भी है इष्ट गोष्ठी प्रभुपाद का टाइम पे इष्ट गोष्ठी प्रभुपाद का आदेश था, आपस में भक्त लोग बैठ के हरि कोई किसी का अगर किसी विषय में कोई संशय संदेह है आपस में चर्चा करें, अगर समाधान नहीं हो पाता तो सीनियर हमसे बड़ा बूढ़े भक्त लोगों के साथ पूछना, पहले ऐसा होना जरूरी था आपस में चर्चा। इस समय में प्रभुपाद का समय का एक घटना, प्रभुपाद का समय का एक कहानी याद होगी, कहानी नहीं है तो साक्षात घटना है। शिला भक्ति मयूख, शिला भक्ति मयूख भागवत गोस्वामी महाराज, मेरा गुरुजी भी उसको बहुत प्यार करते थे, बड़ा ऊंचा किस्म का संत महात्मा था, बीरभूम में रहते थे, बड़ा ऊंचा किस्म साइथिया बीरभूम में, बड़ा ऊंचा कोटि का संत था। पहले गृहस्थी जीवन में थे, उसका बाद प्रभुपाद के चरण में आश्रय लिया, इतना ऊंचा किस्म का संत था। ऊंचा किस्म का मतलब जिसका नाम भजन, ऊंचा किस्म का मतलब ये है जिसका नाम संकीर्तन नाम कीर्तन ज्यादा अच्छा है, जिसका नाम भजन नाम संकीर्तन जितना तगड़ा है, वैकुंठ तो प्रभाव समन्वित तो है, वो सबसे बड़ा साधु है। जिसका नाम भजन नाम संकीर्तन नाम भजन जिसका जितना तगड़ा है उसी हिसाब के मुताबिक साधुओं को समझा जाए। आजकल के जमाने में जो अच्छा लेक्चर दे, बड़ा लेक्चर दे, वो सबसे बड़ा, लेकिन लेक्चर अनुभव के बिना होना संभव नहीं, अगर हुआ तो ये मेटेरियल बातें हो गया, हरिकथा नहीं हो पाए। प्रभुपाद के जमाने का बात कह रहा हूं, एक दफे ये सब 8-10 साल का भक्त है, 12 साल 15 साल का 16 साल का सब छोटा छोटा सब लड़का है, प्रभुपाद का समय में था। आजकल तो कोई नहीं आएगा, सब इंटरनेट लेके बिजी है, एक बच्चा जन्म लेने के साथ साथ ही इंटरनेट चलाना जानता है, हम लोग अभी पता नहीं हमको ये चलाना जानता है, ऐसा ही है, जमाना बदल गया। और पहले क्या था, पिता माता भी ऐसा ऊंचा किस्म का उच्च आदर्श वाले होते थे, हुआ करते थे, और लड़का को मठ में प्रभुपाद के चरण में भेज दिया, अगर ऐसा करके बामन गोस्वामी महाराज भी बच्चा छोटे से उम्र में ही आया है, ऐसा करके उस जमाने में छोटे छोटे सा भक्त लोग आपस में एक वृक्ष का नीचे एक पेड़ का नीचे छाए पे चर्चा कर रहा है आपस में। इष्टोगोष्ठी कैसा होता है इसका उदाहरण देने के लिए बताया, आपस में भक्त लोगों का बीच में चर्चा हो रहा है, सब छोटी छोटी उम्र के, 10 साल है 12 16 18 ऐसा ही, सख सीनियर नहीं है कोई, अपना अपना सेवा हो गया। सेवा होने के बाद प्रभुपाद का आदेश था, सेवा होने के बाद सोए रहो ऐसा नहीं, गप करते रहो ऐसा नहीं, गप करते रहो प्रभुपाद का ये आदेश नहीं था, नहीं ऐसा उचित नहीं है। इस समय आपस में भक्त लोग का छोटे भक्त लोग का समय है, तो एक वृक्ष का छाए पे बैठ के चर्चा कर रहा है, क्या कौन सी चर्चा का विषय है, ये चर्चा का विषय हो रहा है जे प्रभुपाद तो राधा रानी का निजी जन है, सुना है बार बार हमारा बड़े बड़े संत महात्मा लोग ये तो बताते रहते हैं, ये प्रभुपाद राधा रानी का निजी जन है, नयन मणि मंजरी सुना है, और दिखने में भी इतना पावरफुल है, बाप रे बाप, उसका सामने जाया नहीं जाए, इतना पर्सनैलिटी है, कृष्णा भक्ति का प्रभाव है, लेकिन फिर भी हम लोग का एक क्वेश्चन है, प्रभुपाद से ही तो हरिनाम लिया है ना हम लोग, बोला हाँ, बोले क्यों हरिनाम अनुभव में नहीं आ रहा है, करने को इच्छा नहीं होता है कभी कभी, और कभी कभी आलसी हो जाता है, क्यों ऐसा होता है। अगर प्रभुपाद हमारा प्रभुपाद अगर हमको हरिनाम दिया है तो प्रभुपाद तो साक्षात भगवान का गौरंग का निजी जन है, राधा रानी का निजी जन, तो प्रभुपाद से जो हरिनाम हमको मिला है सुना है
जे महापुरुषों से हरिनाम अगर ग्रहण करे, ये हरिनाम पक्का हरिनाम होता है, वास्तव हरि होता है। हरि और हरिनाम में कोई डिफरेंस नहीं है, ऐसा सुना है। तो हम लोगों को क्या महसूस में नहीं आ रहा है, क्यों, क्या बात है, हम लोग तो प्रभुपाद से हरिनाम लिया है, कभी कभी अच्छा लगता है, कभी कभी अनुभव नहीं होता है, क्या बात है। आपस में चर्चा हो रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, आपस में चर्चा हो रहा है। इतने में शिला भक्ति मयूख भागवत महाराज, वो सीनियर है, उधर से जा रहा था और ठहर गया, भक्त लोगों को इकट्ठा देख के ठहर गया और बताया, भक्त लोग ये बताओ कि क्या चर्चा हो रहा है अपना। नहीं नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, शर्म के मारे छुपा के। अरे बोलो ना सही, क्या बात है, हम भी तो सुन सकता है, इष्ट गोष्ठी है, ये तो बताओ जो क्या चर्चा हो रहा है आपस में, बड़ा धूम चर्चा हो रहा है। बोले महाराज क्या बताए, प्रभुपाद जी से हरिनाम लिया है तो सुना है, प्रभुपाद जी से हरिनाम लेने का मतलब साक्षात हरि, प्रभुपाद साक्षात हरि को दिया है, प्रभुपाद साक्षात हरि को दिया है गोदी में, है ना। और भक्ति में भागवत गुस्से में, हाँ सच्चा बात है, तो फिर अनुभव में नहीं उतारता क्यों। बोले महाराज बात यह है, जैसे नादान बच्चा को संपत्ति दिया जाए, कोई नादान बच्चा को संपत्ति दिया जाए, वो संपत्ति का कोई वैल्यूएशन नहीं जानता, उसको इसको लॉजेंस चाहिए, बिस्किट चाहिए, ऐसा चाहिए मासूम बच्चा को। एक उदाहरण दिया, समझो कि माता मर गई पहले जन्म देने का समय, और पिता बड़ा धनी, और पिता भी मरने का समय तमाम जायदाद संपत्ति जो है, अपना एक लौता बेटा उम्र में 8 साल का हो सकता, 7-8 साल का, उसको लिख दिया सारी संपत्ति, और सारा संपत्ति लिख दे तो 8 साल का बच्चा के संपत्ति का क्या समझेगा, वो तो कोई समझता नहीं, उसको चाहिए खाना, दाना पानी, खाना और खेला, ये तो चाहिए। तो इसीलिए पिताजी ने एक काम किया, संपत्ति का देखभाली, संपत्तियों का देखभाली करने का जो कंपनी है, जैसे टेलबोट कंपनी का क्या काम है, वो जो नादान बच्चा ऑर्फेन और नादान बच्चा से मर जाए, ये लोगों का संपत्ति इसको नाम पे है, किसी व्यक्ति ने ये टेलबोट कंपनी के ऊपर जुमा दे दिया, तमाम जायदाद जो संपत्ति है वो जब मैच्योरिटी प्राप्त होगा, 18 साल का ऊपर हो, तब तो इस अपना संभालने का लायक हो जाएगा, इसी समय में सारे संपत्ति जो है उसका हाथ में दिया जाएगा, तब तक टेलबोट कंपनी उसको इसको देखभाली करे, और इसका लिए जो जो तनख्वाह है उसका जो चार्ज है ये चार्ज वो लेते रहेगा संपत्ति से, हर महीना में समझो कि 50,000 25,000 जो भी संपत्ति का अनुसार बैठता है वो लेते रहता है, और अंतिम में जो 18 साल में होश में आए लड़का, उसको तारे संपत्ति उसको देने का विधान है। ये उदाहरण दिया कौन से भक्ति मयूख भागवत गोस्वामी महाराज, ये तो पक्का बात है, प्रभुपाद जी ने हरिनाम का माला दिया है, हरिनाम दिया है, इसका मतलब वास्तव हरि को दिया है, इसमें कोई शक नहीं है, इसमें कोई संदेह नहीं है, शक नहीं है कि प्रभुपाद हरिनाम का साथ साथ साक्षात हरि को दे दिया है। लेकिन अभी नादान अवस्था में हरिनाम क्या वस्तु है, हरि क्या वस्तु है, ये समझ में नहीं आ रहा है। कभी कभी ऐसा भी होता है प्रहलाद महाराज जैसे 5 साल का बच्चा का समझ में आता है, ये डिपेंड करता है किसका कॉन्शियसनेस कितना विकसित हुआ है। ये जो उदाहरण ने दिया है ना, ऐसा नहीं कि 5 साल का उम्र में भी कॉन्शियस हो जाता है, ये डिपेंड करता है। ऐसा भी बच्चा देखा कि 5-6-7 साल हुआ हरिनाम में बड़ा रुचि है, ये पूर्व जन्म का उसका अभ्यास संस्कार के अनुसार हो रहा है, पूर्व जन्म में कोई कृपा प्राप्त हुआ होगा। ऐसा भी हो सकता है किसी का
पास दीक्षा नहीं लिया है। ऐसा भी उदाहरण हो सकता है, किसी का पास दीक्षा अभी तक नहीं लिया है, लेकिन हरि कीर्तन हरि कथा में बड़ा रुचि है और हरि नाम करना चाहता है। इसका व्याख्या ये है कि जरूर देखा जाए तो इस लड़का का पहला जन्म में अगले आगे जन्म में उसका सत्संग हुआ, हरिनाम हुआ, इसके अलावा ये संभव नहीं है, इसके अलावा संभव नहीं हुआ। बहुत सारे ऐसा उदाहरण आता है, भक्तमाल में भी आता है, बस भक्तमाल प्रभुपाद स्वीकार नहीं किया 100%। प्रभुपाद बोला भक्तमाल में मिलावटी है, भक्तमाल में मिलावटी है, प्रभुपाद जी ने बताया ये शुद्ध भक्ति का नहीं है। हर आदमी भक्तमाल फिरते रहते हैं, शुद्ध भक्ति का पता नहीं चले, मुश्किल है, जो भी है ऐसा करके उदाहरण दिया। तो प्रभुपाद का साहब हरिनाम लिया, बहुत सारे आदमी ऐसा भी है, उम्र हुआ 25 साल, प्रभुपाद का साहब हरिनाम लिया, ऐसा नहीं कि 10 साल 20 साल माने 8 साल का लड़का, ऐसा नहीं, ये तो उदाहरण दिया। लेकिन ऐसा भी हो सकता 25 साल का उम्र में हरिनाम लिया लेकिन हरिनाम अनुभव में नहीं आ रहा है, इसका वजह क्या हो सकता है? इसका वजह है अभी भी अंदर में विषय है, अभी भी विषय छाड़िया कवे शुद्ध अभी मन ऐसा शुद्ध नहीं हुआ। हरिनाम हरि का साथ कोई डिफरेंस नहीं है, नॉन डिफरेंट। तो अभी इस हालत में आएगा, जब आएगा तब विषय फीका पड़ जाएगा, विषय वासना मोर कबे तुच्छ हो आर कबे निताय चादेर करुणा हईबे, विषय वासना मोर कबे तुच्छ हो, विषय संपत्ति जो है इसको तुच्छ बड़ा फीका लगेगा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं रखा है इसमें, कभी भी जा सकता है जिंदगी। तो ये उदाहरण दिया, इसका मतलब है जो जिस समय पे दीक्षा लिया उसका कितना परिमाण उसका शरणागति हुआ। अगर 100% शरणागति नहीं है उसका अंदर में हरिनाम का जो प्रभाव वो भी दिखा नहीं सकता। जब तक 100% शरणागति ना हो जाए हरिनाम का प्रभाव बद्ध जीवों के हृदय में उसका जो एक्सट्रीम प्रभाव विकसित होना मुश्किल है, धीरे धीरे होते रहेगा। तो इसके द्वारा उदाहरण मिला है मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम कथयंत माम नित्यम तुष्यंति च रमंती च, ये रमन करते रहते भक्त लोग आपस में हरि कथा कीर्तन के द्वारा और संतुष्ट हो जाते हैं, कथा बोलते रहते हैं आपस में एक दूसरे का साथ। मदगत चित्तो मदगत मत चित्ता मदगत प्राणा, भगवान का कथा बंद करो, जैसे चैतन्य महाप्रभु का उदाहरण दे दे, अंग्रेजी कथा में हुआ था, हिंदी में नहीं हो पाया आज तक। राय रमास राय रमानंद स्वरूप दामोदर महाप्रभु के सामने अंतिम 12 साल महाप्रभु का गोपी भाव मंजरी भाव मतलब राधा रानी भाव कभी कभी ये सब प्रकाशित होते रहते थे हर वक्त। कथा कीर्तन अगर बंद हो जाए तब भी बड़ा मुश्किल हुआ करता था, बहुत मुश्किल। जब भी हरि कीर्तन कीर्तन हरि कथा बंद हो महाप्रभु महसूस करते थे जैसे कि पानी से पानी का बाहर लेके गया मछली को। बहुत रात हो जाता था, रात 12-1 बज जाते थे, राय महासा स्वरूप दामोदर रात का टाइम में हर वक्त हरि कीर्तन हरि कथा में मशगूल रहते थे। लेकिन गोविंद गुस्से में आके कहते थे ये क्या चर्चा करते हो आप लोग, प्रभु रोते रहते हैं, क्या अच्छा चर्चा नहीं कर पाते हो गोविंद, ऐसे इतना रात हो गया देखो कुछ प्रभु कहीं पिया नहीं, पानी भी तक भी नहीं पिया, क्या बात है। तो गोविंद ऐसा डांटते थे, प्रेम का डांटना ये कोई अपमान नहीं है, राय महासा सर्वधम तो कुछ मामूली बात नहीं है। महाप्रभु भी राय रमन सर्वधम के बारे में तमीज से बात करते थे, तमीज से हर वक्त तमीज से बात करते थे। और
गोविंद भी ऐसा प्रेम की लड़ाई है ये। क्या चर्चा करते रहते हर प्रभु, हर वक्त हमारा प्रभु को रुलाते रहते हो, इतना रात हो गया फिर भी आपका खत्म नहीं हो रहा कथा। गोविंद का गुस्सा देखकर राय रामानंद सर्वदमोदर गोविंद गुस्सा हो गया, चलो चलो प्रभु आज गोविंद गुस्सा हो गया, आओ आज चले हैं, रात बहुत हो गया, आप विश्राम कर लो, काल आएंगे फिर, आप विश्राम कर लो, सुबह में फिर आएंगे। जब ऐसा जब भी ऐसा बात बोला तभी महाप्रभु दुखी दुख भरे नाले सुनाते थे। क्या कह दिया आपने, क्या कह दिया, विश्राम, आप चले जाने के बाद विश्राम हो जाएगा मेरा? अरे जब भी आप चले जाते हो उसका बाद मेरा दिल में कैसा भाव पैदा हो जाता, पागल जैसा बन जाता हूं मैं, उचाटन अवस्था हो जाता है। आप कहते हो को हरिकथा कीर्तन बंद कर दिया और कल सुबह आएंगे हम चले, ना 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 ना, जब भी हरिकथा कीर्तन बंद करो हमारा हालत बिगड़ जाता है। ऐसे काल रात का पूछो, जब आप चले गए कैसा हालत हुआ, कैसा हालत हुआ, पागल बन गया मैं, दौड़ के घर का कमरे का बाहर गया, रहा नहीं जाए, आसमान में चंद्रमा है, पूर्ण पूर्णमासी का चंद्रमा है, कहां वंशिद्ध नहीं हो रहा है, और रहा नहीं जाए, चारों ओर माधवी मालती, इतना सारे फूल खिले हुए हैं, इतना सारे अमृत बरस रहा है, और हम घर में सोए रहे, रहा नहीं गया, हम पागल बन गया। ऐसा करके महाप्रभु कह रहे हैं, महाप्रभु प्रमाण दे रहे हैं हरिकथा कीर्तन वास्तव भक्तों लोगों का विश्राम है। वास्तव हरिकथा कीर्तन जो है इसी का नाम है विश्राम। विश्राम ये शरीर का विश्राम चाहते हैं, ये मेटेरियल मानी का है, माइंड का विश्राम, लेकिन आत्मा का तो विश्राम महाप्रभु ने दिखाए, महाप्रभु ने दिखाए आत्मा का विश्राम, तो आत्मा का विश्राम तो एक मां हरिकथा में है। आत्मा का पुष्टि, विटामिन मिनरल जो कुछ भी है सब आत्मा का जो पुष्टि है हरिकथा हरिकीर्तन में है। और एक उदाहरण दे दे, महाप्रभु अकेले घर में कृष्ण कृष्ण बोल के रोदन करते थे, पागल बन जाते थे, छलांग लगाते थे दौड़ के, कभी कभी चटक पर्वत का ओर दौड़ लेते, कभी समंदर में जाके छलांग लगाते, कभी तेलंगाना गौ माता जो है उड़ीसा गौ माता, इन गौ माताओं का बीच में जाके गिरते थे, तरह तरह का भाव प्रकटित करते थे। महाप्रभु कृष्ण का नाम लेके ऐसा रोदन करते थे पत्थर भी पिघल जाए। महाप्रभु का शिक्षा जरूरी है, ये श्लोक चर्चा किया ना, ये जो मंग बिना प्राण धरतुम असमर्था, ये जो कहने का बात कह दिया लेकिन अनुभव में आनी चाहिए। कृष्ण कृष्ण बोल के जब रोदन करते थे, कहाँ हो आप, मेरे को छोड़ के मेरे को मारना चाहते हो क्या, आपका कोई दया नहीं है, बंसी ध्वनि करके भाग गया, ढूंढते ढूंढते पागल बन गया महाप्रभु। महाप्रभु का रोदन ऐसा ऐसा रोदन चलता था, ये रोदन देख के पत्थर भी पिघल जाए, पिघल जाए, आई बात समझ में। महाप्रभु का विषय में जो चीज देकर शुरुआत किया था प्रभुपाद का, यही बात आ रहा है, अपनी आचार्य धर्मों लोकेरे सिखाए, अपनी ना आचार्य धर्मों सिखाना ना जाए, अपनी आचार्य अपना आचरण करके, महाप्रभु स्वयं भगवान है, महाप्रभु स्वयं साक्षात भगवान है नंद नंदन कृष्ण, और महाप्रभु का साथ अंदर में राधा रानी का भाव है, राधा रानी आई हुई है, और आचरण करके दिखा रहे हैं। सवक्तेभ्यो शुद्धो निज भजन मुद्राम उपदिशन सचैतन्य किंग मे पुनरपिदीश्वर यस्वति पदम। ऐसा अपनी आचरित धर्म लोकर सिखाए
वास्तव कथा तो ये है, कृष्ण कथा का क्या माधुर्य है, कैसा आकर्षण है, क्या है, ये लेक्चर के द्वारा समझा नहीं जाएगा। महाप्रभु जानते थे दो चार लेक्चर दे दे इसमें समाधान नहीं होने वाला, दो चार लेक्चर दे दे फिर भी समाधान नहीं होने वाला, इसलिए महाप्रभु खुद भक्त भाव को अंगीकार करके भक्तों का भाव लेके स्वयं आए, हा कृष्ण हा कृष्ण हा कृष्ण करते करते जीवों को शिक्षा देने के लिए। एक दफे कीर्तन करते करते राजा प्रताप रुद्र का साथ स्पर्श हो गया, महाप्रभु बाहरी दृष्टि में लोगों को सिखा के सिखाने के लिए मैं सन्यासी हूं ये विषय का स्पर्श हो गया, राजा का हाय हाय मैं कहां जाऊं, ऐसा करके शिक्षा दिया। और वही महाप्रभु सर्वमठ जी का उपदेश के द्वारा प्रेरित होकर जब राजा प्रताप दित्य महाप्रभु का कृपा प्राप्ति करने के लिए गोपी गीता का पद गाते हुए बड़ा सीक्रेटली छद्म रूप धारण करके जब महाप्रभु का चरण में पहुंचे आ सेवा शुरू कर दिया, और सुनने सुनते सुनते महाप्रभु पागल हो गया, बोल 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 बोली उच्चे बोले बार 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 बार, सुनते सुनते बबूर संतोष अपार, सुनते सुनते जब तव कथामृत ऐसा कह रहे हैं राजा प्रताप रुद्र, महाप्रभु अंदर में सारे ज्ञान है फिर भी बाहर में गोपी प्रेम और हरिनाम का क्या माधुर्य है, क्या आकर्षण है, ऐसा समझाने के लिए क्या की महाप्रभु पागल का मापी दौड़ लगाना शुरू कर दिए। सुनिए ऐसा दौड़ के महाप्रभु सोया हुआ था बलगंडी में रथ यात्रा का समय, रथ यात्रा का आकर्षण किया, दौड़ भाग किया, महाप्रभु उधर विश्राम कर रहा है। इसी समय पे राजा प्रताप रुद्र का कहने पर सर्वम वटेजो का कहने पर राजा प्रताप रुद्र साहस 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 हिम्मत लेके तब कथामृतम तप्त जीवनम ये गाते गाते महाप्रभु के चरण में गिरा है और चरण संवाहन मैसेज करना शुरू कर दिया। और प्रभु सुनिते सुनिते प्रभु संतोष अपार, सुनते सुनते इतना संतोष हो गया महाप्रभु उच्च बोले बार 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 कह रहे हैं और तब कथामृतम तप्त जीवन में जो श्लोक है राजा पोड़ी लो आंदेन। तब क्या हुआ तुरंत महाप्रभु उठ के उसका आलिंगन दे दिया, आलिंगन दे दिया। प्रभु कहे के तुमी करीले मोर हितो, प्रभु कहे के तुमी करीले मोर हितो, कौन है आप, मेरा मंगल किया, इतना मंगल किया। सुनिते 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 बबूर संतोष अपार, बोल बोल बोली उच्चे बोले बार बार तब कथा मृतम तप्त जीवन में जो श्लोक है राजा जे पढ़ी लो, उठी प्रेमावेश महाप्रभु आलिंगन दे लो, महाप्रभु जाके उठ के आलिंगन दे दिया किसको, राजा प्रताप रुद्र को, जो कि रथ यात्रा का जो कीर्तन है उस समय स्पर्श हो गया तो महाप्रभु दूसरा नाटक कर रहा है इच्छा करके हम लोग सिखाए। निष्किंचनस्य भगवत भय, ये शिक्षा देने के लिए महाप्रभु जी ने बताया, निष्किंचनस्य भगवत भजनोन्मुखस्य पारं पारं जीगमीश भवसागरस्य संदर्शन विषयनम अथो हा हंत हंत विष भक्षण तो भी असाधु, विष भक्षण से भी ज्यादा नुकसानदायक है, विष भक्षण से भी ज्यादा, विष भक्षण से भी ज्यादा नुकसानदायक है, ऐसा करके निष्किंचन स्व भगवत, जो भगवत भजन करना चाहता है निष्किंचन भगवत भजन स्व पारंग पारंग जीगो मीश भवसागर स्व, जो इस पार पार करके
भगवत चरण में जाना चाहता है, परम परम जीव मीश भव सागर स, उसका लिए संदर्शनम विषय न हो, उसका लिए विषय, उसका लिए तो विषय विषयी व्यक्ति का दर्शन ये निषिद्ध है। परम परम जीव मीश भव सागर स संदर्शनम विषयनम अथो हा हम तो हा हम तो विश्व भक्न, जहर खा के अगर मर भी जाए फिर भी विषय लोग का संग है, स्त्री संग है, नहीं सब नहीं करनी चाहिए, ये करना उचित नहीं होगी। और माँ प्रभु चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं मेरे को इतना कुछ भरपूर संपत्ति दे दिया, मेरा पास कुछ नहीं है, मैं क्या दूं, मोर किछु दिने दीते नाही दिनु आलिंगन, मेरा पास कुछ नहीं है, मेरा पास कुछ नहीं है, मैं सन्यासी हूं, मैं कुछ नहीं हूं, तो बोले मोर किछु दीते नाही दिनु आलिंगन, मैं क्या किया, मेरा कुछ भी नहीं है, आलिंगन दे दिया आपको, मोर किछु दीते नहीं दिनु आलिंगन, मेरा पास कुछ नहीं है देने के लिए, मैं सन्यासी हूं, मोर किछु दीते नहीं दिनु आलिंगन, आपका आलिंगन भुरीदा भुरीदा बोली बहु देन आलिंगन, भुरीदा बोली प्रभु देन आलिंगन, यहां नहीं जानें इहो है कौन, ये कौन है, बिना इन्फॉर्मेशन इच्छा करके महाप्रभु, इसका जो प्रीति है महाप्रभु के चरण में है, आकर्षण है, इसके लिए महाप्रभु इच्छा करके नाटक इस ये लीला किया करके कृपा कर, तब कथामृतम तप्त जीवनम कविवृतम कलम सापहम श्रवण मंगलम श्रीमदातम भुवि गिणंति ते भूरिदाजना। और उसका बाद ये तो गया नौ नंबर का चर्चा हो गया, मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयंत परस्परम अकथयंत मांग नित्यम तुष्यंति च रमंति च, भक्त लोग का आपस में क्या आनंद है इसी अवस्था में समझा नहीं जाएगा। और अगले श्लोक में 10 नंबर श्लोक में बताया, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रतिपूर्वकम, तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रतिपूर्वकम, तेषाम सतत युक्तानाम जो लोग सतत हर वक्त मेरा साथ, तेषाम ये लोग जो लोग मेरा साथ हर वक्त प्रीति का संबंध जोड़े रखते हैं, तेषाम सतत युक्तानाम भजतान प्रीतिपूर्वकम, जो प्रीतिपूर्वक मेरा भजन करते रहते हैं ये लोगों को, जो मेरा हर वक्त मेरा साथ सतत युक्तानाम जो भजन करते रहते हैं ये लोगों के लिए मेरा एक ऐलान है, मैं ऐलान करना चाहता हूँ कि तेषाम सतत युक्तानाम भजतान प्रीतिपूर्वकम ददामी बुद्ध योगम त्वम जेनो माम उपान मान उपयान्ति ते, तेषाम सतत युक्तानाम, तेषाम ये जो लोग है भक्त लोग, ये जो भक्त लोग है ये लोगों का लिए कह रहे हैं भगवान, तेषाम सतत युक्तानाम जो हर वक्त मेरा सा संबंध जोड़ के रखा है, तेषाम सतत युक्तानाम और भजताम प्रीतिपूर्वक, जो प्रीति करके मेरा भजन करते रहते हैं, भजताम प्रीतिपूर्वकम ये लोगों के लिए ददामी बुद्धि योगम त्वम जेनो माम उपजान्ति ते, ए लोगों को मैं ददामी बुद्धि योगन ऐसा बुद्धि योग देता हूं जैसे कि इसी जन्म में वो मेरा पास आ जाए, त्वं जेनो माम उपजान्ति ते, ये कोई मामूली बात नहीं है। भगवान ने कह दिया 10 नंबर श्लोक पे, ये तेषाम सतत युक्तानाम
जो हर वक्त युक्त रहते हैं और भजतान प्रीति पूर्वकम प्रीति पूर्वक मेरा भजन करते रहते हैं, ये लोग को ददामी बुद्धि योग, ये लोग को बुद्धि योग मैं देता हूं। तम जेनो माम उपजानती थे, जैसे को मेरा पास वो लोग आ पहुंचे आना संभव है। जो लोग सतो तो मेरा हृदय में चित्तार्पण करके प्रीति पूर्वक मेरा भजन करते रहते हैं, ऐसा मापी भक्तों को हम इदृश ऐसा मापिक बुद्धि योग देता हूं, जैसे कि इसी जन्म में मेरे को लाभ करे, इसी जन्म में मेरे को लाभ कर सके, ऐसा बुद्धि योग देता हूं। ऐसे गायत्री मंत्र भी प्रचोदयात है, प्रेरणा गायत्री मंत्र में भी प्रचोदयात बोल के मंत्र आता है, वो कई सारे मंत्रों भगवान प्रेरणा देते हैं। तो प्रेरणा कोई मामूली बात नहीं, प्रेरणा प्रेरणा हर कोई को मिलेगा कैसे, हर आदमी तो गायत्री मंत्र जप करता है हर आदमी, लेकिन हर कोई को कृपा नहीं मिलता है, गायत्री कर देते हैं। गायत्री का समय सूर्य मंडल में गौर गौरंग महाप्रभु का दर्शन करना, ये तो सबसे बड़ा चीज है। सुबह कम से कम 4 बजे, उसका बाद होगा नहीं, ज्यादा से ज्यादा 4 बजे, 4:30 बजे का अंदर सूरज उदित होने का समय, ये सुवाचार 4 बजे सबसे अच्छा है। इस समय नियम है पूर्वमुखी होकर जो लोगों गायत्री मिला है उन लोगों के लिए, और एक एकदम मन लगा के वीरासन में बैठ के या पद्मासन में, जब सुखोदय सुखासन में बैठ के, और एकदम एकदम मन को एक जगह लगा के हर वक्त गायत्री मंत्रों का जप करना। आज जप करने का देव ओ भर्गो दिवस्यो, ये सब बताए, इसका सब सारे माने हैं। इस समय गौरंग महाप्रभु तप्त का, गौरंग महाप्रभु का भी, गौरंग महाप्रभु का भी राधा रानी जैसा अंग कांति है। तो इस समय नियम है सूर्य मंडल में महाप्रभु का ध्यान करना, तप्त कांचन राधा रानी का मापिक शरीर का रंग, और जहां तक याद दिलाने का ददामी बुद्धि योग में सब विषय चर्चा आ रहा है, इस विषय में ये कहना जरूरी है, गजेंद्र मोक्षण में जाओ तो उसमें चर्चा, गजेंद्र मोक्षण अध्याय में जाओ, वहां देखोगे भगवान स्वयं वादा किया, प्रतिज्ञा किया, और नरसिंह भगवान भी प्रतिज्ञा किया, जो तुम्हारा और मेरा बारे में शरण श्रवण चिंतन करे, शरण काले कर्म बंधा प्रमुच्यते, नृसिंहदेव का वादा है। नृसिंहदेव ने प्रहलाद महाराज का सामना कह दिया कि शरण काले तुम्हारा और मेरा विषय में कोई अगर चिंतन करे, त्वांच मांच तुम्हारा एवं हमारा दोनों का विषय में जो चिंतन करे, त्वांच मांच स्मरण काले कर्म बंधात प्रमुच्यते, कर्म बंधन से वो तैर जाएगा, पार हो जाएगा, कर्म बंधन टिकेगा नहीं। त्वांच मांच शरण काले कर्म बंधात प्रमुच्यते, कर्म बंधन से पार हो जाएगा, प्रमुच्यते प्रकृष्ट रूप उद्धार हो जाएगा। और यहाँ गजेंद्र मोक्षण में भी ऐसा है, अर्चन पद्धति में भी ऐसा है। देखो प्रातो सिमन नव दिव्य दिनोत्तम दिव्यजम गुरुम बराबर पदम शांतम स्मरे तो तन्नामा पूर्वकम,
उस समय में सुबह में जब अर्चन करने बैठे हो बैठोगे तो इसमें प्रातः काल में नवद्वीप में गुरु जी को शरण करना है। गुरु जी नवद्वीप में बैठा हुआ है और वो हमारा अभय बड़ा भाई मुद्रा दिखा रहा है, हैं? प्रातः समय नवद्वीप दिनोत्तम दिव्युजम गुरु, दो हाथ पकड़ के गुरु जी जैसे सेवक है भगवान का इच्छा और दिखा रहा है और हमको बड़ा भाई हमको आश्वासन दिला रहा है, कोई चिंता नहीं मैं हूं। ऐसा ही गुरु वैष्णव पावरफुल है, ऐसा लिखा हुआ है अर्चन पद्धति में। प्रातो से मन नवद्वीप दिनोत्तम दिव्युजम गुरु बड़ा भाई पदम स्वांतम स्मरे तुतन्न, और गुरु जी का नाम लेके स्मरण करना है, गुरु जी का चिंतन करना है। तो ऐसा चिंतन करने से पूरा दिन अच्छा जाता है, लेकिन याद रहना बड़ा मुश्किल है और ध्यान से करना चाहिए, ऐसे नहीं उठपटांग। और गजेंद्र मोक्षण में भी ऐसा बता दिया भगवान, गजेंद्र मोक्षण ने वहां बताया, जो भगवान ने बताया भक्तों लोगों को, जो व्यक्ति प्रातः उठकर रोजाना ये गजेंद्रों का और गजेंद्र मोक्षण का जो कहानी है, जो लीला है मेरा विषय, वो जो सोचेगा, जो पाठ करेगा, जो सोचेगा, जो चिंतन करे, सुबह में उठकर तुरंत चिंता करे गजेंद्रों फंसा हुआ है और उसको भगवान हरि उद्धार कर रहा है, और ये जो विषय है गजेंद्रों का आर्तो अवस्था, ऐसा अगर कोई रोजाना चिंतन करे, उसका लिए भगवान ने वादा कर दिया, ये मरण का समय, शरीर छूटने का समय भगवान ने वादा कर दिया, शरीर छूटने का समय इसका शरण में मैं जरूर आ जाएंगे। रोजाना अगर ऐसा चिंतन करते रहे मेरा विषय में, कोई चिंता मत करो, रोजाना अगर चिंता करते रहे जरूर मैं शरीर छोड़ने के टाइम में उसको दर्शन देंगे, ऐसा वादा किया है। ठीक है, मामूली बात नहीं है, जो भी है चलो। ददामि बुद्धि युगम, भगवान ने कह रहे सारे जितना सारे हैं, ददामि बुद्धि युगम, भगवान सारे देने वाले हैं, एक पत्ता भी हिलता नहीं भगवान का कृपा का बिना, जो हो रहा है अच्छा है, ठीक है। 11 नंबर श्लोक में, आगे श्लोक में कह दिया कि तेषाम एवानु कम पार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्तो ज्ञानोदीपेन भाष्यता। सिर्फ इतना ही नहीं, भगवान ने ऐसा प्रतिज्ञा कर दिया, ऐसा मां भी भक्तों के लिए तेसाम मेवानु कम पार्थम अहम अज्ञानजम तमः नशयामी आत्मो भावस्तो ज्ञान दीपेन भाष्यता। हमारा भक्तगण को अनुग्रह करने के लिए एरो के अंतकरण में अवस्थित होके उज्जवल ज्ञान रूप दीप के द्वारा मैं लोगों का अज्ञान अगर थोड़ा सा ही बचा हुआ है वो भी मैं काट के फेंक दूं। तेसा ये मेरा भक्तगणों का प्रति, मैं मेरा भक्तगणों का प्रति कृपा दिखाने के लिए, कृपा करने के लिए इन लोगों का अंदर में प्रविष्ट होकर उज्जवल ज्ञान रूप दीप के द्वारा अगर थोड़ा सा भी अहंकार बचा हुआ है इसको नाश कर देते हो, मैं कर देता हूं, तमाम मैं नाश कर देता हूं।
तेषां मेवानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमः नाशयामि आत्मभावस्तु। आत्मभावस्तु माने इसका हृदय में प्रविष्ट होकर ये ज्ञान दीपेन भासता, उज्जवल ज्ञान दीप के द्वारा हृदय उजाला कर देता हूं। जैसे कि अज्ञान बोल के कुछ शेष नहीं रह जाए, याद भगवान का करुणा हर वक्त चिंता करना चाहिए। कैसा करुणामय है भगवान, कैसा करुणामय है भगवान। कह रहे कि तेषां मेवानुकंपार्थम अज्ञानजम तमः नशयामि आत्मभावस्तो ज्ञान दीपेन भस्वता। हो गया। अब आगे चल के अर्जुन तो फूले, अर्जुन पागल हो गया आनंद के द्वारा। आगे चल के अर्जुन तरह तरह का श्लोक बना रहे, भगवान का पूजन कर रहे हैं, भगवान का महिमा कीर्तन कर रहे हैं अर्जुन। सो अर्जुन वाच, अर्जुन क्या कर रहे हैं? अभी दूसरा श्लोक में देखा भगवान का साथ कोई संशय संदेह प्रकट किया, आगे चलकर कैसे संशय संदेह को एकदम काट दिया भगवान। धीरे धीरे सारे प्रमाण दिखाया। फटकार भी दिया भगवान, भगवान अर्जुन को डांटा भी है। अपना अंदर का क्रैव्यम अस्माकं अपार्थो न एतत्त्वे उपबद्धते। क्रैव्यम क्रैव्यम अस्माकं अपार्थः न एतत्त्वे उपबद्धते। ये तुम्हारे लिए संभव नहीं। कैसा क्लिप जैसा कर रहे हो। यहां अर्जुन नौवां स्कंद में दसवां स्कंद में बहुत प्रशंसा किया भगवान अर्जुन का। अरे तुम ही हो, बहुत समझ में आया तुम्हारा, तुम्हारा ये सब कथा सुनते सुनते बड़ा आनंद आया। तुमको मैं ये गुप्ताति गुप्त चीज जो है ये हम सिखा देंगे, कोई बात नहीं। इसका विषय में जानने का बाद भूयो एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः जत्ते अहम प्रिय मानयो प्रवक्षामि हितकं मया न मे विदुः सुरगणः प्रभवम् न महसयोः अहम आदिर ही देवानां महर्षिनांचो सर्वसः। ऐसा करके सारे बताए। तुम ये सब बातें कथा सुनकर तुम्हारा आनंद हो रहा है, तो फिर तुमको और कहेंगे गुप्तादि गुप्त बात। और कह रहे हैं कि जो माम अजम अनादिंच वित्ति लोको महेश्वरम, मैं सर्वभूत का महेश्वर हूँ। जो माम अजम अनादिंच, मैं अजो हूँ अनादिचो, ऐसा करके मेरे को जानता है जो व्यक्ति, वो विमोहित नहीं हो जाता। असंगमूढ़ समर्तेषु सर्व पापै प्रमुच्यते। असंगमूढ़ ये जगत में मर्तवासियों में ये मोहित नहीं हो जाते भगवान का लीला के द्वारा। अरे सर्व पापै प्रमुच्यते, सर्व पाप से ये विमोक्षण हो जाता है, इसका मुक्ति हो जाता है। और यहां अर्जुन कह रहे ग्यारह नंबर श्लोक का बात, फिर पीछे आ रहा हूं। ग्यारह नंबर श्लोक का बाद अर्जुन कह रहे हैं कि भगवान का महिमा गा रहा है। अर्जुन कह रहे हैं कि अहम ब्रह्म परमम धाम पवित्रम परमम भवान। क्या कह रहे हैं? परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमं भवान और पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवमजम विभूम। परम ब्रह्म अर्जुन बोलेन, आप जो हो आप स्वयं परब्रह्म हो, परम ब्रह्म परमं धाम
आप परब्रह्म, अपनी परब्रह्म परम धाम और परम पवित्र भृगु भृगु अंगिरा आदि प्रवृति, भृगु प्रवृति ऋषिगण देवर्षि नारद असित देवल और व्यास प्रभृति आपको नित्य पुरुष स्वयं भगवान आदिदेव भगवान कह रहे हैं कि आप परब्रह्म हो, परम धाम हो, परम पवित्र हो, भृगु पवित्र ऋषिगण देवर्षि नारद असित देवल एवं व्यास प्रभृति सकल अपने के नित्य आपको नित्य पुरुष स्वयं प्रकाश आदिदेव जन्म रहित जन्मरण का बाहर सर्वव्यापी विभु वस्तु बोला बोलते हैं। आप स्वयं भी पहले पहले चर्चा होते हुए यहां तक आ रहा है, पहले पहले श्लोकों में भी आपने ये बताया, आप भी स्वयं ये बताया, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परम भवान पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम अव्ययम। और 13 नंबर श्लोक में बताया, आहुस्तम ऋषयो सर्वे देवर्षि नारदस्तथा अशीत देवलो व्यासः स्वयं चैव बब्रिमि मे। आहुश्च अर्जुन कह रहे हैं कि आहुस्त्वं ऋषयो सर्वे देवर्षि नारदस्तथा, देवर्षि नारद आदि जत्न अशीत देवल व्यास सारे ऋषि एक ही बात कह रहे हैं, एंड स्वयं चैव आप खुद भी ये बात मेरा सामने प्रकाशित करके रख दिया है। सर्वमेता धृतम मन्ने जन्माम बदसी के सब एक सब, मैं इसको सत्य मानता हूं, मैं अकिन मानता हूं, मैं सत्य मानता हूं। सर्वम एता धृतम मन्ने, मैं ये सब जो बातें हैं आपका चर्चा है, अर्जुन कह रहे हैं कि इसको हम सच्चा माने, इसका अलावा रास्ता नहीं है। रितम मन्ने, आप जो खुद कह रहे हो कि इसको भी अपना, आप जो खुद भी ये कह रहे हो को सर्वम एतद रितम मन्ने जन्मान बदसी केशव न ही भगवान व्यक्ति न ही भगवान व्यक्ति विदु देवा न दानवा न दानवा। आप खुद भी ये कह रहे हैं कि अशीतो देवलो व्यास स्वयं चैव बब्रिषि में, आप खुद भी ये सब कह रहे हैं मेरा सामने, और सारे मैं सच्चा मानता हूं अकिन मानता हूं, सर्वो सर्वम एतद ऋतम मन्ने, सारे सच्चा मानता हूं, सर्वम एत ऋतन मन्ने जन्माम बदसी केशव, आप जो केशव कह रहे हो किसको सच्चा माना, सही बात है। न ही ते भगवान व्यक्ति विदुर देवान दानवः, कोई आपको नहीं जान सकता भगवान, न ही ते भगवान व्यक्तिम विदुर देवा न दानवः सर्व सर्वमेतर ये सब सच्चा मानता हूं। और आपको देवलोक में दानव लोग में असुर लोग में कोई आपको देवा दानवः चौनो विदु हो, ये लोग भी जानता है देव दानव, ये लोग भी आपका जो प्रभाव है इसका बारे में अज्ञान है, जानता नहीं,
अजानता भी होगा तो प्रैक्टिकली नहीं है, ऐसा मुश्किल है। सो कह रहे हैं कि देखो अर्जुन अभी कहते चले, और अर्जुन चल रहा है, कहते कहते चल रहा है, परम ब्रह्म परमम धाम पवित्रम परमम भवानु पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदिदेवम अजम विभुम आहुस्तम ऋषयु सर्वे देवर्षि नारदस्तथा अशीतो देवलो व्यासः स्वयं चैव बभ्रिषि मे सर्वम् एतद् ऋतं मन्ये जन्मां वदसि केशव नहि ते भगवान् व्यक्तिं विदुर्देवा नो दानवः। देव दानव राक्षस कोई मेरा ये सब स्वरूप के बारे में किसी को पक्का ज्ञान नहीं है, कोई जानता नहीं पक्का। और 15वां श्लोक में कह रहे हैं कि स्वयमेव आत्मना आत्मनम वेत्थो त्वम पुरुषोत्तम, हे भगवान ज्ञातो अज्ञातो जाने अनजाने जो कुछ भी है, दृष्टि का अंदर दृष्टि का बाहर जो कुछ भी वस्तु है व्यक्ति है, स्वयमेव ये तो बद्ध जीव का दृष्टि का बाहर हो सकता है बहुत कुछ, आपका तत्व का बारे में कैसे जानकारी करे। स्वयमेव आत्मना आत्मनम वेत्थो, आप खुद आपको जानते हो, मनुष्यो देवा ऋषयो मनुष्यो देवा राक्षस ये लोग असुर लोग आपको जानता नहीं। स्वयं एव आत्मना आत्मनम वेत्थो, आप खुद को ही आप जानते हो, स्वयं एवं आत्मना आत्मनम वेत्थो आप अपने अपने को जानते हो, तम पुरुषोत्तम हो सारे तमाम पुरुषों में तुम उत्तम हो पुरुषोत्तम हो, और भूत भावन मतलब भूत गणों का चिंता जिसका ऊपर है नियंत्रा, भूत भावन मतलब तमाम भूतोग्राम का नियंत्रा है कंट्रोलर, भूतेश इसका ईश्वर तमाम भूतों का ईशो हो, भूत माने आत्मा का, और देवो देवो जगतपते आप देवों का भी देव है, देवो देवो जगतपते हे पुरुषोत्तम हे भूत भावन हे देव देव देवता गणों आराध्य आप है, जगतपते विश्वपालक तुम स्वयं एव आत्मना आप अपने को खुद ही जानते हो, आपका स्वरूप कोई जान नहीं सकता, जिसको आप जनाओगे वो जानेगा, बाकी नायम आत्मा प्रवचन लभ्यो न मेधया न बहु न श्रुते न जम एव एष तेन लभ्यो तस्वीनो तेन लभ्य। भगवान आप खुद जानते हो, और जिस भगवान यहां ऐसा ही बात भगवान आप खुद आपको जानते हो, स्वयं एवात्मनात्मनम वेत्थो त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेशो देव देव जगतपते वक्तुम अर्हसि अशेषेन अशेषेन दिव्याही आत्मविभूतयो वक्तुम अर्हसि आप स्वयं कह सकते हो, आप स्वयं कह सकते हो वक्तुम अर्हसि अशेषेन एक्सट्रीम आपका जो महिमा है, वक्तुम अर्हसि अशेषेन दिव्याही आत्मविभूतयो, आत्मविभूति आपका दिव्य है, ये चक्षु के द्वारा विचार बुद्धि के द्वारा समझ में नहीं आता है, वक्तुम अर्हसि अशेषेन दिव्याही आत्मविभूतयो हो जाभीर विभूति भीर लोकान इमान स्तम व्यापतिष्ठति, कहां आप नहीं है तमाम भूतों में ओमनिप्रेजेंट, कहां आप नहीं है, आप तो हर वस्तु में है, भूमि जे जे विभूति द्वारा सर्वलोक में व्याप्त हो के आप विराजमान हो, ये सब विभूति जो है
तुम स्वयं, आप स्वयं बता सकते हो, किसी का हिम्मत नहीं है। तुम जो जो विभूति के द्वारा सर्वलोक व्याप्त हो के विराजमान हो, इस विषय में हम लोग का जानकारी नहीं, किसी का जानकारी नहीं, आप स्वयं बता सकते हो, समर्थ हो। और ये सब विषय विस्तृत रूप में हमको बताओ, हम हमको बताए कृपा करके। जाभीर विभूति भीर लोकान ईमान स्वम व्यपतिष्ठति वक्तुम अरहसि अशेषेन दिव्या ही आत्मविभूतयो। अपना आत्मविभूति के बारे में कृपा करके बताएं। ये अपना विभूति आप ही बता सकते हो, जो जो विभूति के द्वारा तुम तमाम दुनिया में प्रभाव फैला रहे हो, पूरा प्रभाव, तो आप ही खुद वक्तुम अरहसि अशेषेनो एक्सट्रीम रूप में आप ही बता सकते हो। वक्तुम अरहसि अशेषेनो दिव्या ही आत्मविभूत, ये आपका ही विभूति है, ये हम लोग कैसे समझे। जाभीर विभूति भीर लोकान इमाम स्वम व्यपतिष्ठति, सारे जो प्रभाव फैला कर इससे सारे व्याप्त होकर रहते हो, आप बताओ। कथम विद्याम अहम योगिं स्वम सदा परिचिन्तयन् केशु च भावेशु चिंतो ओसी भगवन मया। कथम विद्याम अहम योगिं स्वम सदा परिचिन्तयन्। हे जोगिन जोगेश्वर, हे जोगिन, कैसे रूप से, किस भाव से, कैसे प्रकार आपका चिंता करने से हम आपको जानने में समर्थ हो पाएंगे, कैसे, किस भाव से, कैसे हम आपका तत्व का चिंतन करें सतत हो, जैसे चिंता करने से आप संतुष्ट, आपको जान पाएंगे हम। हे भगवान, हम तुमको किस किस विषय में कैसे कैसे चिंता करें, क्योंकि आपने बोला हर विषय में आप हो, हर विषय में ठीक है, कौन कौन पदार्थों में, कौन कौन विषय में, कैसे नक्षत्राणाम अहम, है ना, चंद्रमा बताया ना, ऐसे बताया। कथम विद्यामहम योगिं स्वाम सदा परिचिंतयन, कैसे कैसे आप सदा हमारा द्वारा चिंता का विषय हो पाओगे। केसु केसी जो भावेशु चिंतोसि, किस किस विषय में, किस कैसे कैसे आपको चिंतन करूं। कथम विद्यमहम योगिं स्वाम सदा परिचिंतयन केशु केशु च भावेशु चिंतो योसि भगवन मया। ऐसा करके भगवान कह रहे हैं। ये बड़ा आश्चर्य की बात है, विभूति क्या चीज है, अवतार क्या चीज है, अवतार क्या है, आवेश क्या है, अवतार क्या है, भगवान जब इस जगत में उतारते हैं, अवतीर्ण होते हैं, यह अवतार है। किसी भी रूप के द्वारा भगवान ये जगत में उतारना चाहते हैं, अवतार, पुरुष अवतार है, जैसे खिरद गोसाई विष्णु, गर्भद गोसाई विष्णु, कर्ण गोसाई विष्णु, ये सब पुरुष अवतार। लीला अवतार में मत्स्य कूर्म, ये सब लीला अवतार में आता है, मत्स्य कूर्म, निशिंगो आदि सब। युग अवतार भी आता है, इसमें युग युग में वामन आदि यज्ञ हैं, ये सब अलग अलग रूप पकड़ करके युग अवतार हैं। और किसी विशेष व्यक्ति, कोई किसी महापुरुष में, किसी विशेष व्यक्ति में, विशेष महापुरुष में भगवान का शक्ति संचालित होके जाता, अभिव्यक्त होता है, एक से आवेश होता है। जैसे कि उदाहरण दे, नकुल ब्रह्मचारी का नाम सुने होंगे, जो गौड़ीय भक्त है, वो जरूर कालना में है,
नकुल ब्रह्मचारी का सिपाट, जो नकुल ब्रह्मचारी का ऊपर महाप्रभु का आवेश हुआ था और शिवानंद सेन जी उसको परीक्षा किया। नकुल ब्रह्मचारी का अंदर आवेश हुआ और शिवानंद सेन इच्छा करके परीक्षा किया, अगर मेरा प्रभु, अगर मेरा प्रभु का आवेश हुआ तो उत्तर देना पड़ेगा, मेरे को जो मंत्र मिला है गुरु जी से वो कौन सी मंत्र है, ये मेरे को बुलाए, मेरे को बता दे, और मेरे को बाहर से बुलाए तभी सोचूं कि मेरा प्रभु गौरांगों का आवेश हुआ है, नहीं तो नहीं आएंगे। अनुकुल ब्रह्मचारी चिल्ला रहा है, हे बाहर जाओ, जाके बुला के ले आओ शिवानंद सेन, बुलाओ बाहर में। आदमी सब भक्त लोग दौड़ रहा है, ओ किसका नाम है शिवानंद, किसका नाम है शिवानंद, मेरा नाम है, बोले आपको बुला रहा है ब्रह्मचारी जी, आओ बाहर से, एकदम बाहर। नकुल ब्रह्मचारी का सिपाट में मैं गया था 22 साल पहले, कलना में 22-25 साल पहले गया था, फिर और बागनापाड़ा में भी गया था, बागनापाड़ा सिपाट वहाँ भी है, कृष्ण बलराम है, जानवा माथा ले आया था वृंदावन से, वो सब गया 22-25 साल पहले, अभी तो टाइम नहीं मिलता। और शिवानंदो से ये जो बगना पड़ा सेपाड़ है उससे थोड़ा दूर है, कालना में ही है, गांव में बहुत दूर जाना पड़ता है, तो मैं गया था एक दफे, तो ये तमाम भक्तों लोग चिल्ला रहे हैं शिवानंद किसका नाम है, आपको बुला रहा है ब्रह्मचारी जी। तो शिवानंद एकदम उछल के एकदम आया, आके साष्टांग दंडवत किया और दंडवत करके हाथ जो विनती किया, हाथ जोड़ किया, और गौरंग महाप्रभु का आवेश जो हुआ है किसका ऊपर, नकुल ब्रह्मचारी के ऊपर। नकुल ब्रह्मचारी कह रहे हैं आप मेरा ऊपर शक किया, विश्वास नहीं किया है, आप दशाक्षर गोपाल मंत्र जप करते हो ना, अरे बस करो, ठीक है समझ गया समझ गया, दशाक्षर मंत्र जप करते हो ना, तो मेरा ऊपर शक किया, विश्वास नहीं किया ना है नकुल ब्रह्मचारी। बड़ा अनुकूल ब्रह्मचारी, बड़ा प्रभावशाली है, और महाप्रभु के समय में से एक बड़ा बड़ा विद्वान, एक भी एक से बड़ा बड़ा भक्त लोग हैं, जैसे नकुल ब्रह्मचारी हुआ, और आपको यह है निशिंगानंद ब्रह्मचारी नाम हुआ था, ऐसा करके विभूति बोला। और इस जगत में अगर विभूति का बारे में कोई चर्चा होना चाहे तो इसमें विभूति बोलने से भगवान का विशेष प्रभाव जिसमें है, समझा मेरा बात, जैसे देवता लोगों को भगवान का विभूति बोला जाता है। पिथु महाराज जी ने जब इंद्र महाराज को मारना चाहा, अरे इतना हरकतें कर रहे क्यों, इंद्र को मार डालो, तो इंद्र तो कैसे, इंद्र तो विभूति है, इसको कैसे मारे। सो आदित्यानम दादा आदित्य धाता मित्रो अर्जुमा रुद्रो वरुण सूर्यो भगो विवत्सन पूषास सविता त्रष्टा विष्णु, ये सब द्वादश आदित्य का नाम बताया, ये सब विभूति है। और विशेष विशेष कर्म में गीता में भगवान ने बताया भगवान कह रहे हैं कि देखो विस्तार, एक बार अर्जुन कह रहे हैं विस्तारेण आत्मन योगम विभूतिंच जनार्दन भूयो कथयो तृप्तिर ही सिन्नतो नास्ति में अमृतम। सिन्नतो मतलब शोभन करते करते फिर भी परितृप्ति नहीं आती है, परितृप्ति, इसलिए विस्तारेण आत्मनो योगम विभूतिंचो जनार्दन भूयो कथयो, पुनः आप कह दो कृपा करके, तृप्तिर ही सिन्नतो नस्ति में अमृतम,
ये अमृत जैसा कथा सुनते सुनते फिर भी हमारा तृप्ति नहीं हो पाते, क्या करूं अब और बताओ। विस्तरेण विस्तरेण आत्मनो योगम विभूतिंच जनार्दनो भूयः कथयो तृप्तिर् हि सिन्नतो नास्ति मे अमृतम। और भगवान ने कहना शुरू कर दिया, हंतो ते कथय स्वामी दिव्या ही आत्मो विभूतयो हो प्रधान्यतः कुरु श्रेष्ठो नास्ति अंतो विस्तारस्य मे। क्या बताया भगवान भवजो, हंतो मे कथयिष्यामी दिव्या ही आत्मो विभूतयो हो प्रधान्यतः कुरु श्रेष्ठो नास्ति अंतो विस्तारस्य मे। हाँ अर्जुन, इसका अंत नहीं है, अंतो हंतो हाय राम हाय, इसका कोई शेष नहीं है। हंतो ते कथयिष्यामि में जरूर बोलेंगे ही आत्मविभूत है, हमारा आत्मविभूति के बारे में आपको बताएंगे, लेकिन प्रधान प्रधान जो वाइटल जो है चुन चुन के बताएंगे। प्रधानतः कुरुश्रेष्ठ, क्योंकि विस्तार बताने जाए तो आदि अंतहीन, इतना विभूति है अनंत अपार, हरि अनंत हरि रूप अनंत, और इसमें एक एक करके चुन चुन के भगवान बता रहे हैं। अगले कथा में इसका बड़ा भारी चर्चा हो पाएगा और आज थोड़ा बहुत जरूर चर्चा होगा। क्या है, अहम आत्मा गुरा केशो सर्वभूताशय स्थित, अहम आदिश्च मध्यंचो भूतानाम अंतो एव च। अहम आत्मा गुरा केशो, हर भूतों का हृदय में, हर प्राणी का हृदय में जो आत्मा है, अहम आत्मा गुरा केशो सर्वभूताशयो स्थित, ये मैं विभूति है। अहम आदिश्च मध्यं, जो मैं शुरुआत में मैं हूं, मध्य में अर्थात शुरुआत में मध्य में और अंत में, अहम आदिश्चो मध्यंचो भूतानम अंत एव च, वो तेरा सबका अंत है ये भी मैं हूं। मैं कैसे बताऊं, आदित्यानम अहम विष्णुर ज्योतिषाम रवि रंशुमान, आदित्यानम अहम विष्णु, आदित्य का बीच में मैं विष्णु हूं, ज्योतिषाम का विषय मैं रवि रंश रंश रवि रंशुमान, मरिचीर मरिचीर गणों में मैं मरुताम अस्मी, नक्षत्राणाम अहम शशि, द्वादश आदित्यों का बीच में मैं विष्णु नाम का आदित्य हूँ, ज्योतिषको गणों का मध्य में मैं किरण माली ताप देने वाला सूर्य हूँ, ज्योतिषको का मध्य में मैं सबसे तेजियान किरण माली सूर्य हूँ, मरुद गणों में मैं मरुद गणों के अंदर मैं मरिचि, मरुद गणों मरुद मरुद गणों का बीच में मैं मरिचि हूँ, एवं नक्षत्रों का बीच में मैं चंद्रमा हूं। अहम आत्मा गुरा केशो सर्वभूताशय स्थित, अहम आदिश्चो मध्यंचो भूतानम अंतो एव च, आदित्यानम अहम विष्णुर ज्योतिषाम रविरंशुमान, मरीची स्मरुतामस्मि नक्षत्राणाम अहम शशि। मूल पाठ करना, मूल पाठ जो हुआ है भागवत का गीता का, ये साइड बाय साइड अभ्यास करने से थोड़ा बहुत समझ में आ जाएगी, जितना जितना कीपा आते चलेगा उतना समझ में आएगा, कीपा नहीं हो तो समझ में नहीं आएगा, कीपा होना जरूरी है। एवं व्रत स प्रिय नाम कीर्ता जातानुराग दुतचित्त उच्चै हसति अथो रदिति रौति गायति उन्मादवत नित्यति लोकवाह्यो। वांछा कल्पतरुवश्य के पास सिंधु पथितानन पावन भो वैष्णवभ्यो नमः।